मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको पता है जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि एक ट्रायंगल के बेस पे हमने उसकी रेशियोस फाइंड आउट की, उसी को हम आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको ध्यान होगा कि हमने क्वाड्रेंट सीखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से हमने कन्वर्ट किया था और हमने साइन कोस टेंजेंट की एक वैल्यू क्वाड्रेंट बता रखा होता था और उसी के बिहाफ पे जो है हम उसको आगे सॉल्व करते थे। चलिए अब उसी के आगे का हम एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है आपका सम नंबर 6, एक्सरसाइज है आपकी 3.2। चलिए अब इसी का एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच इज इन नेगेटिव फॉर्म। कोसेकेंट 1420, सेम लाइन हम यहाँ भी लिखेंगे। इट इज नोन दैट द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट एक्स रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई ऑफ 360 डिग्री। कोसेकेंट माइनस का है तो हम इसमें क्या करेंगे, 360 का कोई भी मल्टीपल देखो, 360 नेक्स्ट 720 नेक्स्ट 1080 नेक्स्ट 1440। तो मैंने इससे बड़ा नंबर लेना है जरा सा, तो यही लेंगे। तो मैंने क्या किया, इसमें से 4 मल्टीप्लाई ऑफ 360 डिग्री माइनस प्लस माइनस माइनस ग्रेटर इज 1440, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो कोसेकेंट 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2। ये जो वैल्यूज है ये बिल्कुल वही वैल्यू है जो हमने क्लास 10 में ऑलरेडी कर सकते हैं, करिए ना हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, उसी की वैल्यू हमने वहां से फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे लिख दी, दैट इज कम टू द नेक्स्ट सम, 8th सम है और ये पाई के फॉर्म में दे रखा है। क्या दे रखा है, टेंजेंट 90 पाई बाय 3। अब इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले 90/3 को हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे, 3 6 18 1, तो 6 and 1/3 में इसे लिख सकते हो। तो ये आ गया टेंजेंट 6 and 1/3 पर। टेंजेंट 6 के साथ पाई अलग प्लस 1/3 माइनस 5/3, तो 6 पाई क्या हो गया, 3 into 2 पाई हो गया,
मींस 2 बाय का मल्टीपल, तो टेंजेंट के जितने भी हमारे तीन सर्कल बनेंगे वो जीरो हो गए, तो उसके बाद क्या रह गया, सिर्फ पाई बाय 3, और टेंजेंट पाई बाय 3 की वैल्यू होती है हमारी टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 का मतलब रूट 3। आपको इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके आना है, और साथ ही मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज लिखकर भेज रही हूँ, वो आपको एज इट इज लर्न करने हैं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे आप जो है उसको आगे नहीं कर पाओगे इस एक्सरसाइज को। थैंक यू।